ओके स्टूडेंट, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी मोस्ट इजी एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट इज मेंसुरेशन। नाउ व्हाट इट डील्स अबाउट, इट डील्स अबाउट आवर डे टू डे लाइफ। अपने रोज के कामों में मेंसुरेशन हेल्प करता है। आई गिव एन एग्जांपल, अपन मान लेते हैं कि वी आर डेकोरेटिंग अवर होम, हम इंटीरियर करवा रहे हैं, है ना। तो एक पर्टिकुलर एरिया पे मुझे फ्रेम लगाना है, तो आई गॉट एन आइडिया कि मुझे फ्रेम लगाना है। एज सून एज आई गॉट एन आइडिया कि मुझे फ्रेम लगाना है, और यू गेट एन आइडिया आपको अपना रूम डिज़ाइन करना है, तो एवरी वन विल हैव डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायरमेंट। सपोज आपने सोचा कि आपके रूम में यू वॉन्ट अ ब्यूटिफुल सीनरी, जैसे ही सीनरी आया यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ द एरिया कि कौन सी वॉल पे लगाना, देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग ऑफ डिफरेंट शेप्स इन द सेंस यू विल डिसाइड। मेनी ऑफ यू विल लाइक रेक्टेंगुलर सीनरी, सम ऑफ यू माइट लाइक स्क्वायर सीनरी, some of you will like a triangular scenery, there may be someone who thoda sa different soch rakhe aur kahe ki bhai ye rhombus shape ki jo scenery hoti hai wo sabse unique hoti hai, there are many more different shapes we will discuss them. humne ye decide kiya, after deciding that scenery agar aap market mein gaye aur blindly purchase karke le aaye that scenery, then it can create a trouble for you, ye musibat ka kaam ho sakta hai. kyun? बिकॉज इट मे हैपन जो जगह आपने डिसाइड करे हो दैट इज स्मॉल और सीनरी हमारी आ जाए बड़ी, कोई नॉट फिट ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस, और इट मे हैपन कि जगह बहुत बड़ी हो और हम जो सीनरी परचेस करके लाए वो बहुत ही छोटी सी हो, तो देन ऑल्सो अगैन इट विल नॉट गिव एन अपीलिंग लुक। सो यू हैव टू डू द मेजरमेंट्स ऑफ दैट, आपको लेंथ पता लगानी है, आपको ब्रेथ पता लगानी है। तो जो स्मॉलर पार्ट जो हम ये ले रहे हैं, ये ब्रेथ हो गया, ये हमारा ब्रेथ हो गया, दिस इज आवर लेंथ। ये हियर वी आर डिस्कसिंग 2D ऑब्जेक्ट्स, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, तो अगर मैंने इसको ए लिया है तो मेरी ये भी ए, मीन्स लेंथ और ब्रेथ विल बी इक्वल। ये शेप मेरा ट्राइंगल है, ट्राइंगल कैन बी ऑफ 3 डिफरेंट टाइप्स एज यू हैव स्टडीड। तो हम इन जनरल फार्मूला यूज करेंगे यहाँ पे ट्राइंगल का, जिसमें हमें हाइट मालूम रहेगी ट्राइंगल की, एंड दिस विल बी अ बेस जिसको हम बी से बेस, एंड रोमबस के एरिया निकालने के लिए जनरली वी यूज डायगोनल्स। तो हम एक डायगोनल को डीवन नाम देते हैं, और एस जो अपोजिट कॉर्नर्स को जोड़े आमने सामने वाले कॉर्नर्स को, इनको कहते हैं डायगोनल्स। ओके, व्हाट आर डायगोनल्स? अगर कोई भी मैंने शेप लिया है और उसके अपोजिट कॉर्नर्स को मैं ज्वाइन कर रही हूँ, तो दैट इज नोन एज डायगोनल्स। तो that square will have from here to here a diagonal, here to here one diagonal, but square का area हम side की help से निकालेंगे। rhombus जो है, rhombus का area we will take out with the help of diagonals। तो ये area निकालने के लिए आपको, you once you calculate the area then you will be able to purchase the correct item, आप अपने room के लिए सही सामान ले पाएंगे, because you have measured length and breadth, you have calculated the area, फिर जो परचेसिंग होगी दैट इज करेक्ट। एक और एग्जांपल दे देती हूँ, सपोज वाइट वॉशिंग हमारे घर में होती है या वंस इन अ ईयर सबके घर में होती है, इन दैट ऑल्सो व्हाट द पेंटर इज डूइंग, वो सारी चीज़ों का डिटेल कैलकुलेशन कर रहा है, एंड योर फादर एंड मदर आर एक्सपर्ट इन चेकिंग दैट कि वेदर दैट कैलकुलेशन इज करेक्ट और नॉट, क्योंकि तभी कैलकुलेशन प्रॉपर होंगे तो वट एवर कलर और पेंट मार्केट से आ रहा है दैट विल बी राइट अमाउंट। कैलकुलेशन गलत तो हो सकता है, जो हम कलर लाए वो कम लाए, कम पड़ गया, एरिया पेंट होना बच गया, फिर दोबारा मार्केट में गए तो सेम शेड इज़ नॉट अवेलेबल, होता है ऐसा, इट हैपन्स व्हेन योर कैलकुलेशंस आर रॉन्ग। समटाइम्स हम ज़्यादा खरीद के ले आते, देन व्हाट हैपन्स, अब पेंट करते हैं फिर 4-5 लीटर बच गया कलर, फिर वो वहाँ स्टोर रूम में ख़राब होता रहता है, इट इज़ ऑफ नो यूज। सो द बेस्ट पार्ट टू गेट योर सेल्फ एक्सपर्ट इन मेंसुरेशन, जितना अच्छा हम इसको समझेंगे उतना हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, डे टू डे लाइफ में इट विल हेल्प यू एवरीवेयर। क्लियर? तो पहले हम स्टार्ट करते हैं स्मॉल थिंग्स से। तो दिस आर द जनरल शेप्स, आई हैव रिटन जनरल शेप्स, ये किसका शेप है, ये है रेक्टेंगल, ये मैंने क्या ले लिया, आई हैव टेकन स्क्वायर, ये मैंने क्या लिया, दिस आई हैव टेकन ट्राई एंगल, ये मैंने क्या लिया, रोम्बस, रोम्बस की चारों साइड्स इक्वल जस्ट लाइक स्क्वायर, बट ये थोड़ा सा टिल्टेड होता है। ओके, हमें इनके अगर क्या निकाल
एरिया. तो क्या फॉर्मूलेज बनेंगे, इधर का बनेगा लेंथ इनटू ब्रेथ, स्क्वायर का फॉर्मूला रहेगा साइड इनटू साइड जिसको हम साइड स्क्वायर भी बोलते हैं, ट्रायंगल का फॉर्मूला जनरल फॉर्मूला भी आ जाने हाफ इनटू बेस इनटू हाइट. जैसे जैसे हम हायर क्लासेस में जाएंगे देयर विल बी डिफरेंट फॉर्मूलाज फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्राइंगल, बट एट क्लास में यू आर हैविंग वेरी जनरल फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. रोम्बस, रोम्बस के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू डी वन इंटू डी टू. यहाँ डी वन एंड डी टू वी आर टॉकिंग अबाउट डायगोनल्स. ये एरिया हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है और इसको मुझे डेकोरेट करना है, तो इस पर कलर रिबिन लगानी है या लेस लगानी है, तो मैं क्या कैलकुलेट करूँगी, क्या तभी मैं एरिया कैलकुलेट करूँगी? नहीं. व्हेन आई हैव टू पुट द लेस, मतलब सिर्फ बाउंड्री को कवर कर रहे हैं, ओके, कीप इन योर माइंड वी आर कवरिंग ओनली द बाउंड्रीज, चाहे उस पर लेस लगा रहे हों, रिबिन लगा रहे हों, या अपना खेत है और उसमें हम फेंसिंग लगा रहे हो, तो वी आर कवरिंग ओनली बाउंड्रीज, आसपास की बाउंड्री कवर कर रहे हैं. तो वी विल कैलकुलेट द पेरीमीटर, हम निकालेंगे इसका पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल मतलब सिर्फ बाउंड्री वी आर टॉकिंग अबाउट, तो इट विल बी टू इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ स्क्वायर. कितनी साइड्स होती है, फोर साइड्स होती है और ऑल आर इक्वल, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा फोर इंटू साइन. ट्राइंगल के लिए तीनों साइड्स इक्वल अलग अलग भी हो सकती है, इक्वल भी हो सकती हैं, तो व्हाट यू विल राइट, ट्राइंगल के लिए हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल साइड्स. रोम्बस, रोम्बस में अगेन फोर साइड्स इक्वल ही होती हैं, तो रोम्बस का पेरीमीटर भी होता है फोर इंटू साइड. ये बहुत जनरल शेप्स है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट फोर साइडेड शेप्स, तो इसमें एक कॉमन शेप जो जनरल यूज होता है जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रिलेटरल. नाउ स्लाइटली वी आर मूविंग टुवर्ड्स दी टेक्निकल टर्म्स, ओके. जो बच्चे आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग करने की सोच रहे हैं दे शुड पे मोर अटेंशन या तो क्वाड्रिलेटरल. सो व्हेन वी टॉक अबाउट क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल इज अ फोर साइडेड फिगर. रेक्टेंगल एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल नहीं है बिकॉज इट इज हैविंग ओनली थ्री साइड्स. रोम्बस भी एक स्पेशल टाइप का क्वाड्रिलेटरल है, बट इसके अलावा भी हमारे पास और वेराइटी है, तो लेट्स सी दैट वेराइटी. वी विल सी दैट वेराइटीज ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन अवर नेक्स्ट वीडियो, ओके. सो टिल नाउ लर्न दिस फॉर्मुलेस एंड गेट रेडी फॉर द नेक्स्ट वीडियो.